देवी संघर्ष करो, देवी आगे बढ़ो। बैल कुमारी भाई जी जिंदाबाद, बैल कुमारी भाई जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, देवी संघर्ष करो, देवी आगे बढ़ो। बैल कुमारी भाई जी जिंदाबाद, बैठ जाओ। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही, दलितों और पिछड़ों अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम जोरदार उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अब मैं हमारी नेता हमारे बीच में आ चुकी है, हमारी बहन जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम यहां जो स्वागत करने हम लोग करते हैं, श्री जगजीवन अहरवाल जी आए और उनके साथी एक सोने का मुकुट लेकर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का स्वागत करेंगे। सोने का मुकुट लेकर सभी गलती की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता आदरणीय बहन जी से हम गुजारिश करेंगे इस जन समूह को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान। माननीय बहन जी, बीएसपी की इस विशाल चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने आपके इस बुंदेलखंड में जो उरई जालौन रिजर्व सीट है लोकसभा की, तो यहां से हमने अपनी पार्टी के वफादार सिपाही को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो एरवार धोले विभिन्न नाम से जातियां जानी जाती हैं, उससे एक ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने तो झांसी लोकसभा की सीट से कुशवाहा समाज को, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी ने क्षेत्र के हिसाब से आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में किनकी तादाद ज्यादा है, तो उसको ध्यान में रखकर हमने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मुझे झांसी के बारे में मालूम है कि यहाँ पर कुशवाहा समाज काफी ज्यादा है, हालांकि यहाँ के जो हमारा पूरा प्रयास था कि यहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को, कुशवाहा समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन जिसको हमने आगे किया, जब मालूम पड़ा
कि वो तो दूसरी पार्टियों के हाथों में अंदर अंदर खेल रहा है, तब हमने उसके स्थान पर, उस व्यक्ति के स्थान पर हमने अयोध्या से यहाँ लाकर कुशवाहा समाज को चुनाव के मैदान में उतारा है। उरई जालौन जो लोकसभा की सीट है, यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इस प्रकार से हमने आपके बुंदेलखंड में इन दोनों लोकसभा की सीट से जालौन उरई और झांसी लोकसभा की सीट से हमने जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है तो उनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों के भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनके सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों के भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत कश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ये पार्टी व अन्य पार्टियां गठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संदर्भ में आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि अभी
कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो जिन पार्टियों ने बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा लिया है करोड़ों में अरबों में, तो उनकी जब रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बॉन्ड के जरिए जिन जिन पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा लिया है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, अन्य अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां शामिल हैं, तो ये सारी पार्टियां तो उस पैसे से अपने संगठन को चलाती हैं और चुनाव आदि लड़ाती हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारी पार्टी ने किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से एक भी रुपया हमने अपने पार्टी के संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए नहीं लिया है। इसलिए आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी हमेशा तो मेंबरशिप बीएसपी मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हम अपने संगठन को चलाते हैं, चुनाव आदि भी लड़ाते हैं। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, या मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को मालूम है कि जब जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, चार बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों का, खास तौर से जो किसान लोग हैं, तो उनको समय से हमने सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उसकी फसल का भी उचित दाम दिया है। और इतना ही नहीं, आपके उत्तर प्रदेश में जो एरिया बहुत ज्यादा सूखा है, जहाँ पर पानी की किल्लत है, दिक्कत है काफी, जैसे आपके बुंदेलखंड में पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ किसान काफी ज्यादा दुखी रहता है, तो हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों का इस बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त एरिया में हमने प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में बरसों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और जब सपा यहाँ पावर में थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो आपकी इस सुविधा को एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण था, इसको ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही
इनके सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक अजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक
कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खास कर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका यानी कि गरीब लोगों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, जब भी कोई चुनाव आता है, छोटा चुनाव आता है या बड़ा चुनाव आता है, तो तब फिर बीजेपी व आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, शहरों की बस्तियों में जाते हैं और गरीब लोगों को क्या कहते हैं कि बीजेपी ने आरएसएस ने तो आपको फ्री में सस्ता राशन दिया है, तो इसका नमक आपको अदा करना है, इसलिए आप लोगों को बीजेपी को वोट देना है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो भी राशन आपको फ्री में दिया जाता है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है आप लोगों को, बल्कि जनता, पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है, जो पैसा आपका है, उस टैक्स के जरिए सरकार के पास जो धन जाता है, उस धन से आप लोगों को फ्री में राशन दे रही है। ये कोई बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है, इसलिए आप लोगों ने कोई उनका नमक नहीं खाया है, बल्कि अपना खुद का नमक खाया है आप लोगों ने, टैक्स के जरिए सरकार को पैसा अदा करके। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी के रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में, अपने क्षेत्र के भी हित में अपने वोटों को
या कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में या अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। और आपका जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका बहुत पिछड़ा हुआ है। आप लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाए, अलग से प्रदेश बनाया जाए। जब हमारी केंद्र में सरकार होगी तो इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, आपके बुंदेलखंड को अलग से स्टेट जरूर बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश वे आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी आपके झांसी लोकसभा की सीट से और उरई जालौन सुरक्षित लोकसभा की सीट से हमने जिनको भी चुनाव लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने ये दोनों हमारे प्रत्याशी मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन सभी यानी कि दोनों लोकसभा प्रत्याशियों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इनको मेंबर पार्लियामेंट बनाकर पार्लियामेंट में जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी की क्या पहचान?